और इसी बीच बलिया पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा, भारत की सेना और भारत की सीमा, उस पर आंख उठाकर देखा नहीं जाता, अपना धड़ शरीर से अलग हो, सर शरीर से अलग। इस प्रकार से आज ही के दिन मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया था और आतंकवाद का खात्मा करने का काम किया। बलिया वालों, मुझे बताओ ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो युवाओं? कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल है ये सपा बसपा कांग्रेस एक बच्चे की तरह धारा 370 में 70 को गोदी में खिला रही थी। हिम्मत नहीं थी, आपने दूसरी बार पीएम को, मोदी जी को पीएम बना दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। अखिलेश बाबू खड़े होकर मेरे सामने भाषण करते थे पार्लियामेंट में कि गृहमंत्री धारा 370 मत हटाइए, देश में खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो भाई? हम नहीं डरते किसी से। मित्रों, आज मैं अखिलेश जी को जवाब देने आया हूं मंगल पांडे की, चित्तू पांडे की भूमि से। अखिलेश बाबू, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी ने आजादी के वक्त से धारा 370 का प्रश्न, जो कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के कारण लगा हुआ था, उसका समाधान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार। कांग्रेस कहती थी 70 के दशक में, कहती थी कि गरीबी हटाओ। सपा बसपा गरीबों की पार्टी, मगर गरीबों के लिए कुछ करा होता तो हमारे भाग्य में काम करने का नहीं। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश के एक प्रदेश के उत्तर प्रदेश की 1,67,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया। इस माताओं के घर से उनकी रसोई को धुआं के मुक्त कराने का काम किया। 2,61,00,000 मकानों में, घरों में शौचालय बनाकर बहन बेटियों माताओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया। 1,41,00,000 घरों में बिजली का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने का काम हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने करा। मुझे बताओ भाई, बताओ बांसुरी वालों, बिजली रानी आपके घर में कभी 20 घंटा आती थी क्या? अरे जोर से बोलो, आती थी क्या? ये रूठी हुई बिजली रानी को गरीब के घर में 24 घंटा लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने। पहले तो मोहरम होती थी, ताजिया होता था तो बिजली आती थी। ध्यान से सुनिएगा, ताजिया मोहरम होती थी, बिजली आती थी। परशुराम जयंती हुई, राम जयंती हुई, कृष्ण जन्मोत्सव हुआ, बिजली गायब। अच्छा है, गए अच्छा था क्या?
यूपी के पांचवें चरण में वोट